आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर पर। जिला सोलन के कृष्णगढ़ कोठाड़ में रविवार को पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन कोठाड़ इकाई की आकस्मिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर समीक्षा की गई। इस बैठक में मौजूद जिलाध्यक्ष केडी शर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप तहसील कृष्णगढ़ में कई पदों के रिक्त होने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने उपायुक्त सोलन केसी चमन से यह आग्रह किया है कि इस उप तहसील कार्यालय में एक वरिष्ठ सहायक, दो कनिष्ठ सहायक, एक डाटा ऑपरेटर तथा एक कानूनगो के रिक्त चल रहे पदों को तुरंत भरा जाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो ये बैठक है, इसमें क्या क्या प्रस्ताव आप लोग पारित करेंगे और किन किन विषयों पर आप लोग समीक्षा करेंगे? आज की जो बैठक रखी गई है, एक आपातकालीन बैठक है, क्योंकि हमारे छह सूत्रों से हमें ज्ञात हुआ है कि हमारी तहसील जो है सब तहसील, उसमें इस वक्त स्टाफ बिल्कुल शून्य के मुकाबिल है। इसके वो इस पर सफर कर रही है, लोग सफर कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से ये निवेदन आज हम करेंगे, अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से भी और अपने डीसी से भी और अपने जो हमारे मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश है उनसे भी, कि ये स्टाफ की कमी जो है सब सील में पूरी की जाए, ताकि लोगों को 12 पंचायत के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। कि यहाँ जो एम्बुलेंस आती है, जो एम्बुलेंस 108 नंबर रखी गई है, अगर हम उसको या कोई पेशेंट सीरियस हो जाए, जब हम उनको यहाँ कॉल करते हैं या बुलाते हैं, तो वो सबसे पहले बजाय इसके के पेशेंट को लेकर वो सोड़ या किसी और ठीक अस्पताल में पेशेंट को ले जाए, वो सबसे पहले चंडी जाते हैं। चंडी में रिपोर्ट करने के बाद फिर वो पेशेंट को लेने के लिए आते हैं। इन द मीन टाइम पेशेंट हो सकता है कि वो बेचारा स्वर्ग से लाया जाए, तो ये मेन प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमने अपने जो संबंधित हमारे विधायक महोदय है, इनसे भी पहले हमने ये बात की थी कि इस समस्या को दूर किया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वही जो स्थिति है प्रचलित है। उन्होंने बताया कि 108 एम्बुलेंस सेवा, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी से बुलाई जाती है, उसमें मरीज को किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की बजाय पहले चंडी ले जाया जाता है। इस बीच कभी कभी मरीज दम भी तोड़ जाता है। पहले भी संगठन ने दून के विधायक से इस विषय को लेकर बात की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे कुछ न कुछ जरूर हल निकालेंगे, पर अभी तक उसी तरह से 108 एम्बुलेंस सेवा कार्य कर रही है, जिससे आम जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि ज्यादातर खराब चलने वाले यूको बैंक के एटीएम के कारण लोगों को असुविधा होती है। उन्होंने कुठाड़ यूको बैंक के शाखा प्रबंधक से भी इस एटीएम को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने का अनुरोध किया है। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट।